जय सियाराम दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। आज इस आईपीओ को अप्लाई करने का लास्ट दिन है, उसमें क्या लास्ट डे के दिन हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। साथ ही राजपूताना बायोडीजल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ में अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है और उसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करूँ, तो ये आईपीओ हमारा 25 नवंबर को ओपन हुआ था और आज 27 नवंबर के दिन इस आईपीओ की क्लोजिंग हो रही है और इसकी लिस्टिंग हमें 2 दिसंबर के दिन होती हुई नज़र आ सकती है। और इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 319 से 335 रुपये पर शेयर का है। एक लॉट में आपको इसमें 400 शेयर मिलेंगे और कंपनी का जो टोटल इशू साइज है वो 160 करोड़ रुपए का ये कंपनी इशू साइज लेके आई है। अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि इस आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो अभी तक इस आईपीओ में लगभग 5.25 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल कैटेगरी में इसमें लगभग 7 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है, एनआई कैटेगरी में 5.5 गुना का और क्यूआई कैटेगरी में 1.63 गुना का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई इतना खास सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में नहीं हुआ है। वहीं इसके बाद अगर हम इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी गिरावट ही आ रही है। कल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 21% के आसपास चल रहा था, वो आज गिर के लगभग 17.9% के आसपास आ चुका है, जो कि टोटल 60 रुपये के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। तो 335 रुपये का इशू प्राइस है, उस पर 60 रुपये का लिस्टिंग इन अलग से दे सकता है, तो इसकी जो लिस्टिंग है आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 395 रुपये पे होती हुई नज़र आ सकती है। तो ठीक ठाक ये लिस्टिंग एन आईपीओ आपको दे सकता है। अगर ओवरऑल बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप इस शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो 2-3 दिन पहले 25% था, वो अब गिर के लगभग 18% के आसपास आ चुका है। हो सकता है आज आप अप्लाई करते हैं और इस आईपीओ में अगर उतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, मे बी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और 2 दिसंबर के दिन ये आईपीओ लिस्ट होगा, तो अभी उसमें मेनली भी 5 से 6 दिन बाकी हैं, तो तब तक हो सकता है कि मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप उस रिस्क को भी एनालिसिस करके ही चलें, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लें। बाकी मैं इस आईपीओ को कम्प्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कोई लिस्टिंग इन मेरे को इसमें दिख नहीं रहा है। कंपनी ठीक ठाक है, उसका बिजनेस भी ठीक ठाक ही चल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं राजपूताना बायो डिजिटल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करूं, तो ये आईपीओ हमारा कल 26 नवंबर को ओपन हुआ था और कल 28 नवंबर के दिन हमारा ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 30 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमारा मार्केट में लिस्ट होगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 123 से 130 रुपये पर शेयर का है और एक लॉट में आपको 1000 शेयर मिलेंगे और कंपनी टोटल लगभग 24.7 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है। वहीं अभी तक इस आईपीओ में अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो इस आईपीओ में अभी तक लगभग 20 गुना का सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन देखने को मिल चुका है और रिटेल कैटेगरी में इसमें लगभग 32.5 गुना और एनआई कैटेगरी में 13.27 गुना और क्यूआई कैटेगरी में 0.7 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो पहले दिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिल चुका है। इस आईपीओ को अप्लाई करने का सेकेंड डे है, कल ये आईपीओ हमारा क्लोज हो जाएगा, तो हमें संभावना है कि काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में होता हुआ नज़र आ सकता है। और इसके बाद अगर हम आज के दिन इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो कल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 61% के आसपास चल रहा था, वो आज बढ़ के 73% के आसपास हो चुका है, जो कि टोटल 95 रुपये के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। 130 रुपये का इशू प्राइस है, उस पर 95 रुपये का अलग से लिस्टिंग इन आपको ये दे सकता है, तो इसकी जो लिस्टिंग है करंट के हिसाब से 225 रुपये के आसपास हो सकती है और एक लॉट में आपको इसमें 1000 शेयर मिलेंगे, तो करंट के हिसाब से उसको अगर 95 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका जो प्रॉफिट अभी फिलहाल चल रहा है वो 95,000 पर लॉट का फिलहाल चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग है ना आपको ये दे सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, उसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कंपनी अपने रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिस्टेंसली ही इंक्रीज कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकती है, तो आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन दोनों ही आईपीओ के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है फुल फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस के साथ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और उसके बाद अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।